पार्टी के अध्यक्ष और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए उम्मीदवारों की चहलकदमी संबंधित क्षेत्र में बढ़ गई है। राजद के टिकट पर वर्ष 2019 में शिवहर लोकसभा क्षेत्र में किस्मत आजमा चुके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फैसल अली एक बार अपने टिकट को लेकर आश्वस्त है और अपनी दावेदारी से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। मोतिहारी सर्किट हाउस पहुँचे राजद नेता फैसल अली ने कहा कि शिवहर लोकसभा सीट पर मेरी दावेदारी तो बनती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व जिसे भी टिकट देगी हम सभी मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय महासचिव फैसल अली ने शिवहर लोकसभा सीट अपनी दावेदारी को लेकर कहा कि दावेदारी मेरी रहेगी क्योंकि वहां से मैं पिछला चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन टिकट देने का विशेषाधिकार पार्टी के अध्यक्ष और तेजस्वी यादव का है। जिसको भी वो लोग लालटेन थमाएंगे वो इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। हम इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से लगातार बने हुए हैं और लोगों से मिलते रहे हैं। हम किसी लोभ लालच में राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी उससे जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। आनंद मोहन के आने के बाद शिवहर सीट की दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजद नेता फैसल अली ने कहा कि उनका नाम मैं नहीं लूंगा। कोई भी आदमी किसी पार्टी में आने जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कानूनी रूप से वो 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चेतन आनंद को लेकर आ रही खबरें केवल समाचार है या मैंने कभी नहीं सुना है। इंडिया गठबंधन में शिवहर लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा यह बड़े नेता लोग तय करेंगे, लेकिन राजनीतिक समीकरण है उसके हिसाब से शिवहर लोकसभा क्षेत्र राजद की परंपरागत सीट रही है और राजद की दावेदारी इस सीट पर निश्चित रूप से रहेगी। दावेदारी मेरी रहेगी, मैं दूसरी पिछला चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन ये चीज विशेषाधिकार होता है पार्टी का, पार्टी के अध्यक्ष का और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का। जिसको भी वो लोग लालटेन थमाएंगे वो इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। हम अपने क्षेत्र में पिछले 4 साल से बने रहे हैं, उस क्रम में मैं हर आप लोग सबसे भेंट होती रहती है, हर महीने 2 महीने में मैं यहाँ आता रहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। आपकी दावेदारी तो कुछ न कुछ प्राथमिकता के आधार पर होगी ना? वो तो हमारा दल तय करेगा, बिल्कुल होगी, लेकिन वो हमारा दल तय करेगा, हमारे नेता तय करेंगे। हम किसी लोभ लालच और स्वार्थ किसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। अगर हमको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका पूरी तरह से यथाशक्ति और जितना संभव होगा उस तरह से हम उसका निर्वाह। आनंद मोहन के फील्ड में निकलने के बाद कैसा लगा? मैं किसी का नाम लेकर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी एक वास्तविकता है, कानूनी तौर पर अभी आने वाले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चेतन आनंद की बात आ रही है, क्या आ रही है? शिवहर से वो भी 85 के लिए दावेदारी। ये बात मेरे लिए समाचार है, ये मैंने कभी नहीं सुना। इंडिया गठबंधन के बाद क्या राजद के कोटे में जाएगा? क्या देखिए अब क्या होगा ये बड़े नेता लोग डिसाइड करेंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि शिवहर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, ये जो राजनीतिक समझ है, उस हिसाब से शिवहर एक ऐसी सीट है जो परंपरागत तरीके से राजद की सीट मानी जाती है और इस पर राजद की दावेदारी सबसे मजबूती से लागू। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।